फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू फैक्टोरियल एफ इनटू आई, हाँ एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई एथ टर्म ऑफ द सीरीज, यही था। ये हमारे दो अच्छा लॉजिक बने थे, सम का और प्रोडक्ट का। अब हम कुछ प्रोग्राम्स इन्हीं के बेसिस पे करके देखते हैं। अब सबसे पहला प्रोग्राम जो है, आज हम प्रोग्राम की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला प्रोग्राम जो है, मेरे को क्या करना है, इस सीरीज का सम निकालना है। जैसे लेट सपोज 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 टिल अप टू एन इंटू एन प्लस वन। कौन बोलेगा इसका प्रोग्राम, जल्दी से बताओ। परीक्षा तरीके का इशिका, परीक्षा अच्छा परीक्षा पहले बोलो, परीक्षा ने बोला था ना। यस सर। जैसे परीक्षा बच्चे कैसे लिखेंगे हम बताओ, इसमें क्या 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 इनपुट होगा। सबसे पहले हम एन इनपुट करेंगे, एन इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एन इज इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट ओपन इनपुट इनपुट, ब्रैकेट हाँ ओपन डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज ये कोट कुछ भी सेमीकोलन। ये चीज ठीक है। एन उसके इक्वल्स टू बाद इनपुट कर दिया, अब क्या यस करूं। सर, अब एस को हम इनिशियलाइज करेंगे, जीरो वैल्यू साइन कर देंगे। वेरी गुड, एस इज इक्वल टू जीरो इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद फॉर आई इन रेंज फॉर आई इन रेंज, अच्छा ये बताओ आई आई इन इन वाला रेंज वेरिएबल क्यों नहीं यूज किया हमने, आई मतलब इन। बिना रेंज वाला सर, क्योंकि हाँ उसमें हम लोग को इनिट मतलब उसमें हम लोग को हर एक इनपुट देना पड़ेगा, हर एक आई की वैल्यू खुद से लिखनी वेरी गुड, पड़ेगी। हाँ इसमें अब क्या लिखना है, 1, बोलो। एन प्लस वन सर, एन प्लस वन क्यों लिखा, एन तक क्यों नहीं लिखा। क्योंकि एन तक लिखेंगे तो फिर वो एन माइनस वन तक आउटपुट देगा अच्छा इसके आगे फॉर आई इन, इसके आगे कुछ ध्यान रखना कोलन। था, लास्ट में कुछ कॉलन लगाना। चलो वेरी गुड, ये लगा दिया। अब इसके बाद क्या लिखूं एस इज बोलो। इक्वल्स टू एस प्लस हाँ एस इज इक्वल्स टू एस प्लस हाँ ब्रैकेट ओपन आई इंटू आई प्लस वन। i4 i+1, सही है। अच्छा ये मैंने जो टैब यस सर, स्पेस दिया है, वो टैब स्पेस किस लिए दिया है, इंडेंटेशन के लिए इंडेंटेशन के लिए। अब मेरे को प्रिंट क्या कराना है, किसकी वैल्यू प्रिंट एस लास्ट में क्या लिख दूं। मैंने इंडेंटेशन के बाद क्यों नहीं लिखा, सर, क्योंकि फॉर लूप के साथ मतलब फॉर के लिए लिख रहे ना, फॉर वाली उसके लिए हाँ बच्चे एक मतलब बार देख लेते हैं। अगर मैं प्रिंट अगर ऐसा अंदर लिखता तो क्या होता, मेरा सम कैसे कैसा आता। पहले आता सम, आता 1 × 2, फिर आता 1 × 2 + 2 × 3, फिर आता 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4, इन सब का सम आता बेटा। ये बात समझ आ रही है, इसमें खाली लास्ट वैल्यू का सम आएगा, इसमें खाली लास्ट वैल्यू का सम आएगा। ये जो सम है, ये है सम ऑफ आई टर्म, सम ऑफ यस आई सर। टर्म। और ये जो सम है, दिस इज कॉल्ड एज सम ऑफ एनी टर्म ऑफ द सीरीज। कोई डाउट है बच्चे, नो सर, ये बात समझ आ गई ना हमने उस इस लॉजिक का कैसे यूज किया है। यस सर, यस चलो सर, अब नेक्स्ट कौन बोलेगा, परीक्षा बोल रही थी ना शायद। यस सर, अब नेक्स्ट कौन बोल रहा है, पल्लवी, पल्लवी बोलो। यस सर। हाँ पल्लवी अब तुम बोलो। यस सर, एक मिनट बच्चे, पल्लवी दिखाई दे रहा है। यस सर, चल अब मेरे को बताओ, अब मेरे को प्रोग्राम लिखना है यूजिंग फॉर और वाइल लूप दोनों करेंगे, फॉर और वाइल लूप दोनों करेंगे। और ट्राई करना है, ओके हमें प्रोग्राम लिखना है 1 × 3 + 3 × 5 + 5 × 7 टिल अप टू 2n − 1 × 2n + 1। अब ये आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम्हारे को आता होगा, मगर दोनों तरीकों से लिखना है। हमने किस किस तरीके से, सर, एक फोर से एक वाइल से वाइल। अच्छा एक फॉर से और एक वाइल से लिखना है, ठीक है। अच्छा चलो अब पहले फॉर से बताओ क्या करूं। सर, फोर से पहले हम इनपुट लेंगे यूजर से एन, एन इक्वल्स टू इंट ले लिया, इनपुट ले लिया। चलो अब बताओ क्या करूं उसके आगे। सर इसके बाद हम इनिशियलाइज कर देंगे एस इज इक्वल टू जीरो। एस इज इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, यस सर, सर इसके बाद बोलो। हम
लूप स्टार्ट करेंगे, फोर लूप, फोर हाँ आ बोलो, थोड़ा आवाज कट गई बच्चे, बोलो दोबारा। फोर आई इन रेंज, आई इन रेंज, रेंज हाँ जीरो, जीरो से स्टार्ट करोगी वन? सर जीरो से जीरो से स्टार्ट होगा बच्चे, वन से स्टार्ट होगा शायद, देखना आप चेक करना। सर, चलो यस सर, अभी वन बोलते जाओ। हाँ चलो, से वन से स्टार्ट हुआ, अब क्या होगा बोलो। सर, इसके बाद इसके सेमी कोलन आएंगे लास्ट में, वो कोलन, उसके बाद हम इंडेंटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। एस इज हाँ इक्वल टू एस प्लस 2i-1 स्टार 2i+1 प्लस 2i प्लस 1 ठीक है, और प्रिंट यहाँ पे क्या कर देंगे एस। एस। सही है, ये बात समझ आ गई है मेरे को, लगता नहीं है डाउट होगा। सर ठीक है, मुझे अब इसी डाउट है को, सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर जो हर एक स्टेटमेंट के आगे जो सेमी कोलन लग रहा है, क्या पाइथन में लगता है सर ये? बच्चे जरूरी है और जरूरी नहीं है, बस ये मेरी आदत है कि मैं मैटलब में, मैटलब जैसे पढ़ाता हूँ, सी भी पढ़ाता हूँ, तो उसमें मेरी भी आदत है, और इसमें कोई जरूरी जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा सर चलो आप जल्दी से बोलो, वाइल वाले से कैसे लिखेंगे? व्हाइल में हम पहले इनपुट लेंगे सेम तरीके से एन का, फिर उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे एस इज इक्वल टू 0, उसके बाद हम इनिशियलाइज कर देंगे आई इज इक्वल टू 1। अच्छा मैं इसी में थोड़ा चेंज कर दूं, इसके बाद एक लाइन आएगी कौन सी, आई इज आई इक्वल टू इक्वल टू वन, 1 ठीक है, उस और व्हाइल लूप वाइल, हाँ क्या लिख दूं, ब्रैकेट आई में कंडीशन। आई लेस देन इक्वल टू एन कर दूं। यस सर, अच्छा लेस देन इक्वल टू एन क्यों लिखा है मैंने? सर क्योंकि हमें आई एन तक चाहिए, लास्ट वैल्यू जो हमारी है वो है 2n-1 2n+1। और यहाँ पे भी सेमी कॉलन आएंगे, यस सर, और इंडेंटेशन यहाँ के पे, सर, हाँ इंडेंटेशन के साथ हम शुरू करेंगे एस इज इक्वल टू एस प्लस सेम ये स्टेटमेंट। पूरी लाइन यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है, उसके बाद यस फिर क्या आएगा, सर, वही आपका आई, हाँ आई इक्वल टू, i+1 फिर वेरी गुड, और फिर प्रिंट एस। प्रिंट एस। कोई डाउट है? नो ये मेरे को सर, लगता है ये वाला, हाँ बोलो। इसमें i<=n+1 क्यों नहीं होगा, एक बार वापस बता दीजिए। बच्चे एक मिनट, यहाँ पे जो है ना आई, यहाँ पे इसका मतलब होता है आई की वैल्यू लेस देन एन प्लस वन, यहाँ यस पे सर, मैं लगा ही रहा हूँ लेस देन इक्वल्स टू एन, एक मेरे ओके को इसका ओके मतलब ही यही हो गया ना, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, ठीक है कि नहीं? यस यस सर, अच्छा अब कौन बोलेगा नेक्स्ट प्रोग्राम, कौन बोलेगा जल्दी बताओ, यस सर, सर मैं बोलता हूँ। कौन, मानव नाम बोलो, सर, मानव तुम बोलो। चलो मानव बताओ, हमें प्रोग्राम लिखना है इसका, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल टिल अप टू n फैक्टोरियल, क्वेश्चन समझ आ गया? सर अच्छा अब इसमें दो लॉजिक्स कंबाइन है, कौन कौन से बच्चे? सर, एक फैक्टोरियल का और एक सम का। एक फैक्टोरियल का और एक सम। चलो सम का क्या लॉजिक बनेगा, s इज इक्वल टू सम प्लस ith टर्म ऑफ द सीरीज में क्या बनेगा? यस सर, सम इज इक्वल टू सम प्लस ith सीरीज, और ith है आई फैक्टोरियल। i फैक्टोरियल, वेरी गुड, ये बनेगा लॉजिक। अब i फैक्टोरियल मेन टारगेट है मेरा, i फैक्टोरियल कैलकुलेट, कोई डाउट तो नहीं? नो सर, अच्छा पहले क्या क्या इनपुट कराना पड़ेगा हमारे को? सर एक एन इनपुट कराना पड़ेगा सर, अगर हम फोर लूप से कर रहे हैं। चलो एन इनपुट हो गया, और क्या इनपुट है बोलो? सर एन नहीं चाहिए भाई, सर आप एस की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जीरो से, अब क्या लिखूं, प्रोग्राम बोलते जाओ ना बच्चे। फोर आई इन रेंज एन, फॉर आई इन रेंज एन आई इन वन रेंज 1, n+1, प्लस वन कोलन इंडेंटेशन के साथ, फिर एस इक्वल्स टू, तो पहले फैक्टोरियल का निकले थे, तो एफ इक्वल्स टू एफ तो इंटू आई F स्टार
आई 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 यस अगर लिखेंगे इससे क्या हुआ, आई ए टर्म ऑफ फैक्टोरियल आएगा, पहली बार क्या आएगा इसके अंदर, एफ क्यू वैल्यू क्या आएगी, 1 फैक्टोरियल, जैसे और लास्ट क्लास में बताया था 2 फैक्टोरियल, फिर एफ क्यू वैल्यू क्या आएगी, सर 3 फैक्टोरियल। हाँ बोलो सर इसमें इनिशियलाइज नहीं सर करेंगे सर एफ को एक तीन नहीं से किया करना एफ मिनट एक मिनट। हाँ बोलो बोलो, एफ को इनिशियलाइज करेंगे, बिल्कुल ठीक बात बोली बच्चे ने, एफ इज इक्वल टू हुआ ठीक है। यस सर अब इसके बाद क्या लिखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज आईएथ टर्म, हाँ कि नहीं, क्योंकि ये पहली बार 1 फैक्टोरियल दे रहा है, दूसरी बार 2 फैक्टोरियल दे रहा है, लास्ट बार क्या दे रहा है, एन फैक्टोरियल, तो दिस इज कॉल्ड एज आई फैक्टोरियल, कोई डाउट तो यस नहीं। नो सर चलो अब क्या लिखूं बच्चा, बच्चे बताओ, एस इक्वल्स टू एस प्लस एफ एस प्लस ए, और ये हमारा प्रिंट क्या कर दिया मैंने, यस एस सर ठीक है। इसको ना रन करा के देखते हैं, क्योंकि है ना इसमें शायद कुछ बच्चों के डाउट ना रह जाए, इसलिए रन करा देते हैं। कौन बताएगा रन कैसे करेगा, बताओ कोई बोलेगा रन, बच्चे एक्टिवली बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्लास में मजा भी आएगा। सर मतलब स्क्रीन पे करके दिखाना है सर ऐसा नहीं, मैं स्क्रीन पे करके नहीं दिखा रहा ना, मैं एग्जीक्यूशन करके दिखा रहा हूँ, यही हाँ, ये पेन से लिख के दिखा रहा हूँ। आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 टिल अप टू आई इक्वल्स टू एन के लिए, बताओ आई इक्वल्स टू 1 के लिए 2 वैल्यूज हैं एफ, और दूसरी वैल्यू है एस, बताओ एफ की वैल्यू क्या आई पहले, कौन सर बोलेगा, एफ वन हो जाएगा इशिका 1। हाँ चलो इशिता, अगर कोई और बच्चा बोलेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि इशिता और परीक्षा मेरे को नाम भी याद हो गए, मानव का भी याद हो गया, कोई और बच्चा बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कोई है बच्चे बोलेगा, सर श्रेया श्रेया बोलो, हाँ जी एस की सर वैल्यू फर्स्ट क्या आएगी, सर एस की वन आ जाएगी वैल्यू 1 आ गई। अब आई इक्वल्स टू 2 के लिए क्या हो गया, 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्या हो गया, आई इक्वल्स टू 3 के लिए, बताओ एफ की वैल्यू, सर एफ वन की वैल्यू इंटू टू इनिशियल वैल्यू इंटू 1 इंटू, थ्री बिल्कुल ठीक है, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल हो गया। ऐसी एनी टर्म के लिए क्या आ जाएगा, सर 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अप टू एन फैक्टोरियल ठीक है, ये बात समझ आ गई है, परीक्षा डाउट तो नहीं, सॉरी बच्चे कौन बोल रहे थे, नाम बताओ एक बारी, श्रेया श्रेया सर श्रेया बच्चे डाउट तो नहीं है, नेक्स्ट कोई नो सर आंसर बोलोगे श्रेया के, श्रेया नेक्स्ट आंसर बोलोगे, सर कौन सा आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन एक बोल रहा हूँ उसका आंसर बोलना चाहते हो, हाँ जी सर चलो एक बारी देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है सम निकालना, 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल टिल अप टू 2n-1 का फैक्टोरियल निकालना। अब श्रेया बच्चे बोलो क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, कौन कौन से लॉजिक यूज है, सर इसमें सम का और फैक्टोरियल का सम का यूज है और फैक्टोरियल का यूज है ठीक है। चलो सम का लॉजिक क्या बनेगा, एस इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, जल्दी बोलो, सर एस इक्वल्स टू एस प्लस एफ एस इज इक्वल्स टू एस प्लस एफ क्या है, सर फैक्टोरियल एफ इंटू किसका, आई नहीं एफ इंटू आई नहीं बच्चे, किसका फैक्टोरियल है, 2i-1 फैक्टोरियल होगा ना, यस सर 2i-1 ये बात समझ आई हाँ कि नहीं। हाँ जी सर चलो अब इसी को देखते हैं कि कैसे करेंगे हम रन, अब प्रॉपरली सुनते हैं इस चीज को। चलो फैक्टोरियल का लॉजिक तो याद है ना, हाँ जी सर चलो अब मेरे को बताओ, एन इक्वल्स टू इनपुट कर दिया हमने, इंट इनपुट ये कर दिया सही है, हाँ एस जी इज इक्वल्स सर टू हमने 0 कर दिया, एस इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, कोई डाउट। नो सर चलो अब एफ की वैल्यू भी इनिशियली 1 पर सही है, यस अब मेरे को ये बताओ, हमने वही पीछे वाला प्रोग्राम की तरह लिखा फॉर क्या लिखूं बच्चे बोलो, फॉर आई इन रेंज आई इन
रेंज वन वन प्लस कॉमा एन प्लस वन कॉमा वन, सॉरी, सही है। वन यस सर अब देखो बच्चे, अगर मैं लिखता हूँ एफ इक्वल्स टू एफ 4 आई, तो पहली बार क्या आएगा, एफ की वैल्यू क्या आएगी बोलो। सर आई इक्वल्स टू 1 के लिए एफ की वैल्यू 1 फैक्टोरियल आएगी, आई की वैल्यू 2 के लिए एफ की वैल्यू 2 फैक्टोरियल आएगी, आई की सर वैल्यू 3 के लिए क्या आएगी, एफ की वैल्यू 3 फैक्टोरियल आएगी, यही आएगी ना। यस सर अब मेरे को किसका फैक्टोरियल चाहिए, 2n-1 1 फैक्टोरियल के बाद कौन सा फैक्टोरियल चाहिए, 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब एक और टर्म मल्टीप्लिकेशन में है। 2 फैक्टोरियल, ये अगर 3 फैक्टोरियल आ जाता, 3 फैक्टोरियल से क्या चाहिए मेरे को, 3 फैक्टोरियल मिल जाता। एक टर्म मिलती है कि नहीं, हाँ जी सर तो क्या मल्टीप्लाई करूं, कि इसका मतलब एक टर्म और मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे सर 1 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल पहुंचना, 3 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, टिल अप टू 2n-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से यहाँ अगर पहुंचना है तो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए, यहाँ पे भी देखो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ऐसी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए ताकि 1 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल पहुंच चुके। यानी इस इधर जो लिखा हुआ है मैंने, इधर मेरे को 2 टर्म्स लिखनी है, क्या क्या लिखनी है वो चीज आप बताओ। सर i into i+1। चलो बच्चे, आपके कहने से मैं i into i+1 करके देखता हूँ, उससे देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ठीक है। यस सर चलो i into i+1, मैं इसका लॉजिक भी समझाऊंगा बाद में, हमने सोचा कैसे i into i+1, ठीक है। अब देखो आई की वैल्यू अगर 1 है तो व्हाट इज द आंसर ऑफ एफ, जल्दी बताओ। सर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, चलो। अब आई की वैल्यू 2 है, व्हाट इज द आंसर, ये है ना, नहीं हुआ। गलत है कि नहीं है। तो हाँ जी सर ये जो आपने बोला ये गलत है। यस सर गलत बच्चे आप मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज सोच के बोलते हैं, डिस्कशन ही कर रहे हैं, सोच के करेंगे। अब इसका मतलब है एन माइनस, जो पीछे वाला क्वेश्चन था, n-1 फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैसे पहुंचेंगे, ये बताओ, किससे मल्टीप्लाई करके। बताओ श्रेया, श्रेया हाँ जी सर n-1 फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैसे पहुंचेंगे। बच्चे एन से मल्टीप्लाई करेंगे पहुंच जाएंगे ना। जी सर जैसे अगर मैंने बोला i-1 फैक्टोरियल से आई फैक्टोरियल कैसे पहुंचेंगे, तो दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय आई, कोई डाउट। नो सर अब यहां पे एक आप टर्म मान लो, लास्ट टर्म कौन सी है, 2n- या टू आई माइनस वन माइनस टू आई टू माइनस आई वन माइनस 1 फैक्टोरियल, उससे पहले वाली टर्म क्या होगी बच्चे बताओ। -2। 2i-3 होगा बच्चे, कैसे हाँ जी सर 2i-3 नहीं, आई की जगह i-1 पुट कर दो, ये आएगा। यस अब सर 2i-3 फैक्टोरियल से 2i-1 फैक्टोरियल पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाना बोलो। श्रेया बच्चे समझ नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। ईशिका, ईशिका परीक्षा, यस हाँ ईशिका ये बताओ, 2i-3 फैक्टोरियल से परीक्षा 2i, हाँ परीक्षा बताओ कैसे पहुंचेंगे, किससे मल्टीप्लाई करूं। सर मैं अभी मैंने वैसे जब मैं सॉल्व कर रही थी तो इसमें हम एफ को एफ इंटू 2i+1 और 2i-1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा था। 1 मिनट, 1 मिनट बच्चे, अभी मैं 2i-3 से 2i-, एक बार मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद देखते हैं। 2i-2 into 2i-1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है, यही चीज हुई ना। यस सर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखते कोई गलती होगी वो ठीक करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर चलो मैंने लिख दिया f4 2 4i-2 4 2i-1,
टू स्टार आई माइनस वन, ठीक है? यस सर, हाँ बोलो या ना, ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब मेरे को इसी की कैलकुलेशन देखनी है कि क्या आएगी, उसके बाद हम आगे करें, ठीक है? आई इक्वल्स टू वन के लिए बोलो, आई इक्वल्स टू वन के लिए क्या आ रहा है? F की वैल्यू तो आई इज इक्वल टू वन के लिए तो एफ की वैल्यू जीरो आ रही है। जीरो आ रही है, ये बात समझ आ रही है? टू आई माइनस टू जीरो, कोई बात नहीं। आई इक्वल्स टू टू से स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज टू से स्टार्ट करते हैं। अब क्या यस हुआ F की वैल्यू? अब क्या हुई F की वैल्यू? एक मिनट, सर F की थ्री वैल्यू क्या हो गई? फैक्टोरियल आ रहा है, थ्री मतलब टू थ्री इंटू फैक्टोरियल आ रहा है, थ्री हाँ फैक्टोरियल। जी यस सर। आई इक्वल टू थ्री के लिए क्या आ रहा है? एफ की वैल्यू थ्री फैक्टोरियल इंटू टू थ्री दस सिक्स, सिक्स माइनस टू फोर इंटू फाइव शायद आ रहा है, यस सर, यानी ये सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस सर, बन गया ना सीक्वेंस। यस सर। तो अरे अगर हाउ, मैं अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, थोड़ी सी रबिंग कर देता हूँ, एस की वैल्यू मैं वन कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म मेरी वन है, सही है? यस सर, और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ टू, टू, ठीक है? अब यस देखना मेरा आंसर आ रहा है, सर, यस सर, और यस एस इज सर, इक्वल टू क्या कर देता हूँ, एस प्लस एफ कर देता हूँ, ठीक है? यस सर, और प्रिंट क्या कर देता हूँ एस को, यस, कोई डाउट है? नो सर। बात समझ आ गई? इसका मतलब मैंने आई ए टर्म और आई ए माइनस वन ए टर्म से आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, सर एक बारी जैसे एस की वैल्यू जीरो इनिशियलाइज करके और आई की वैल्यू वन इनिशियलाइज करके टू आई प्लस वन और टू आई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एफ इज इक्वल्स टू एफ के, उससे भी शायद आ रहा है। बिल्कुल आएगा बच्चे, पता है क्यों तुम्हारा आएगा? तुमने ना टू, मैंने टू एन माइनस वन टर्म ले ली थी ना ऊपर, यस सर, देखो मैंने टू एन माइनस वन से किया, आपने टू एन प्लस वन से किया, यस ठीक सर, है? टू एन प्लस वन यस से टू एन माइनस वन, तुम आपने एन टर्म्स नहीं लिया था, एन प्लस वन टर्म्स ले ली थी बस। यस सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे एक्सक्यूज बोलो। मी सर, हाँ लेकिन जो ये बोलो, लॉजिक है उसके अंदर टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू का गैप हो गया, हमें कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स नहीं लेने चाहिए। बच्चे देखो ना आपके कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा इसमें। सर वही जो मतलब अभी प्रेक्षा ने बोला उसमें टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन बोला उसने, तो वो तो टू गलत एन नहीं हो माइनस वन, जाएगा? एक मिनट, टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन बोला है बच्चे परीक्षा? यस सर, इंटू एफ, टू एन माइनस वन इंटू, नहीं टू एन माइनस वन इंटू टू एन प्लस वन में गलत हो जाएगा, अब गैप हमेशा वन का ही रहेगा, इन दोनों में देखो गैप कितने का, वन का। आपका आंसर नहीं आ रहा होगा, आप चेक करना दोबारा, ठीक है? ओके सर। अब कौन बोलेगा बच्चे? सर पल्लवी पल्लवी, बच्चे अभी आप ही नहीं बोला था? सर, अभी मैंने तो बस वो लॉजिक नहीं, अभी प्रेक्षा बोल रही थी वैसे तो ठीक है कोई उससे बात नहीं लास्ट। बच्चे, वन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वन फैक्टोरियल प्लस फोर फैक्टोरियल प्लस सेवन फैक्टोरियल प्लस टिल अप टू थ्री एन माइनस टू का फैक्टोरियल, यही होता है ना शायद इसकी लास्ट टर्म? यस आप इसका लॉजिक बनाओगे? पहले लॉजिक सर, बनाते, लॉजिक कैसे यस बनेगा जल्दी बताओ। सर, लॉजिक इसमें हम सम और फैक्टोरियल दोनों हैं और अगर हम फैक्टोरियल देखें तो थ्री थ्री का गैप है, लास्ट टाइम टू टू का गैप था तो हमने टू टर्म्स ली थी कंसेक्यूटिव, इसपे हम तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स लेने की कोशिश करेंगे, एज सच हमें थ्री माइनस टू फैक्टोरियल बनाना है थ्री एन माइनस फाइव फैक्टोरियल से, तो हम थ्री मल्टीप्लाई आई करेंगे। माइनस फाइव, आई माइनस ये आया क्यों पहले तो ये बताओ, आई की जगह क्या पुट किया हमने? यस सर, आई की आई जगह की आई, जगह सर तब ये आई की टर्म आ जगह, गया। हाँ बच्चे सर बोलो बोलो, मैंने अपने वे में सीधा उससे माइनस थ्री कर दिया क्योंकि थ्री थ्री का गैप है बिल्कुल, ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ माइनस थ्री कर दिया, वेरी गुड, ठीक है? यस, अब जल्दी बताओ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। थ्री आई माइनस फोर, थ्री आई माइनस थ्री, थ्री आई माइनस टू, वेरी गुड, अब यस जल्दी से सर, बता दे बच्चे, प्रोग्राम लिख लें जल्दी से, तेरे को समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? यस, जल्दी से बताइए। अब हम प्रोग्राम लिख, लिख,
एन इज इक्वल टू इंट इनपुट लेंगे, एस हम इनिशियलाइज कर देंगे वन, एक मिनट बच्चे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ताकि सारे बच्चे को सुनाई दे और ढंग से हो। एस को इनिशियलाइज कर दिया हमने जीरो से, अब एफ को हमने इनिशियलाइज कर दिया वन से। एक सेकंड सर, अभी देखते हैं बच्चे, सर जीरो इनिशियलाइज नहीं, बच्चे बच्चे बात सुन, अभी लास्ट में देखेंगे ना क्या गलती आ रही है, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं चेंज करेंगे, सारे बच्चे को समझ नहीं आएगा। ठीक है चलो, अब क्या बोले बच्चे बोलो। बोलो बच्चे, कोई और बोल दो बच्चे, वो बच्चा नहीं बोल पा रहा। यस सर, ओके सर, बोलो बोलो सर। तो एक बार हम फोर आई इन रेंज, हाँ फोर आई इन रेंज, हाँ बच्चे सर वन कोमा एन प्लस वन कोमा वन, उसके बाद लिखेंगे एस इज इक्वल टू, सर पहले लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एफ इंटू जो ऊपर हमने तीन टर्म्स लिखी हैं उनके साथ मल्टीप्लाई, सर उस सर एफ इज इक्वल टू एक मिनट एफ पहले इंटू, लिखो। हाँ बच्चे बोलते जाओ बोलते यस, जाओ थ्री आई बोलते माइनस जाओ। फोर, थ्री आई माइनस थ्री, थ्री आई माइनस टू, एंड देन हाँ एस इज चलो इक्वल टू एस प्लस, सही है। एस इज इक्वल अब टू इसमें दिक्कत एस क्या आएगी, प्लस, सर इसमें इसमें दिक्कत दिक्कत कहाँ आएगी पे जब आएगी। एस, सर आई की वैल्यू जब वन होगी तब इसमें दिक्कत आएगी, आई की वैल्यू यानी इसका मतलब टू से स्टार्ट कर दी और एस को वन से, ठीक है ना। सर चल प्रिंट, कोई डाउट है, नो सर, समझ आ गई ये बात। यस सर, चलो अब नेक्स्ट कौन प्रोग्राम बोलेगा बच्चे। सर इसी इशिका, परीक्षा, 2 मिनट रुक जाओ बच्चे, और कोई बच्चा बोलता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं तुम्हारे से तो पूछूंगा ही, जब कोई नहीं बोलेगा तुम्हारे से तुम्हारा ही नाम लूंगा। बच्चे कोई और बोलना चाहता है, मेरे को नहीं लगता कोई और बोलना चाहता है। चलो मानव, नहीं मानव तू भी बोल चुका, कोई और मानव के अलावा। चलो नहीं है कोई, मेरे को बताओ। चलो मानव तुम बोलो। यस अच्छा मानव एक चीज का मतलब बताओ मेरे को, क्या होता था अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्टार स्टार टू, मतलब क्या है सर, एक्स के पावर टू, एक्स की पावर। चलो वेरी, अब मेरे को कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, इसके लिए मेरे को निकालना है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल अप टू एक्स की पावर एन। क्वेश्चन समझ आ गया, यस सर, अब बताओ कैसे करेंगे एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल अप टू एक्स की पावर एन। इसमें दो लॉजिक लग रहे, एक पावर का और एक सम का, तो एक पहले हम पावर पावर, का और एक सम का। चलो अब इसमें इनपुट क्या कराना होगा, एन को और एक्स को, एक्स को और एन को। अभी आप इंट इंटी ले रहे हैं, फ्लोट अगर करना होगा फ्लोट कर लेना, ठीक है। यस सर, तो एन इक्वल टू इंट इनपुट, सही है, एक्स गोज़ टू एक्स इक्वल टू इंट इनपुट, इनपुट, यस सर, सही है। अब यस क्या सर, करूं, एस को इनिशियलाइज कर देते जीरो से, एस को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, चलो ये भी हो गया। और सर अब लूप चलाते हैं, फोर लूप, फोर आई इन रेंज वन से लेके एन प्लस वन, 1n+1,1, वन ठीक है। चलो अब यस सर, p कोलन, एक वेरिएबल ले लेते हैं, p एक वेरिएबल ले लेते हैं 1, ठीक है। p यस सर, इक्वल टू x 4 4 i, देखना इसका मतलब क्या हुआ, पहली बार क्या देगा पी। आई वन के लिए एक्स की पावर वन आई इक्वल और टू 2 के लिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये एक्स की बार आई हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि ये लॉजिक यही बन रहा है ना, सम यस प्लस एक्स रेज टू पावर आई, यही होगा ना, यस सर, बोलो जल्दी।
एस इक्वल्स टू एस प्लस पी ये हो गया हमारा प्रिंट। सही एस। है, ये बात समझ आ गई? ठीक यस है, अब कौन बोलेगा, नेक्स्ट कौन बोलेगा? परीक्षा चलो शिक्षिका परीक्षा, तुम परीक्षा तुम बोलो, अब कोई यस। और नहीं बोलना चाहता, तुम तीनों ही बोलो, कोई बात नहीं। अगर मेरे को करना है x प्लस एक्स की बार 4 प्लस एक्स की बार 7 टिल अप टू एक्स की बार 3n-2, कोई डाउट है परीक्षा? सर चलो बताओ क्या लिखूं इसमें भी लॉजिक। सबसे पहले तो वही एन इनपुट करेंगे और एक्स इनपुट करेंगे। n int इनपुट, एक मिनट लिख देते हैं। यस सर। ठीक है, x भी int इनपुट लिख देते हैं। चलो अब क्या करना है? सर अब एस इज इक्वल्स टू 0। चलो s p की वैल्यू 1 भी कर दी। ठीक यस है, फॉर आई इन रेंज 1, n+1, 1। ठीक है, यस सर। अब क्या लिखूं बच्चे, अब क्या लिखूं? p इक्वल्स टू सर बोलो। सर पी इक्वल्स टू एक्स इनटू मतलब डबल स्टार। एक मिनट, x डबल चार 3i-4 3i-2 लिखना होगा ना? थ्री आई माइनस टू हाँ, s इज इक्वल्स टू, एस प्लस पी और प्रिंट क्या प्रिंट करा दिया, एस। s। कोई डाउट है? नो सर। तो इसका मतलब पावर और सम वाले थोड़े से प्रोग्राम्स क्लियर हो गए हैं सबको। किसी को डाउट है पावर और सम वाले प्रोग्राम में? क्योंकि अब थोड़ा सा इसका नया वर्जन दिया जा रहा है। बोलो। नो चलो सर। किसने बोला नो? बोलो। अच्छा, पल्लवी सर। पल्लवी तुम पल्लवी बोलोगे? पल्लवी बोलोगे आंसर? यस सर। यस सर। चलो पल्लवी, इसका आंसर निकालना। 1 factorial - 2 factorial + 3 factorial - 4 factorial टिल अप टू एन एन टर्म। सर ओके बात सर। समझ, बोल पाओगे कि यस सर। नहीं? यस सर आई अच्छा विल। अभी, अच्छा चलो ठीक है, अभी है ना, खाली पहले इसका लॉजिक बोल दो। 1 factorial + 2 factorial + 3 factorial टिल अप टू n factorial, ये इसका लॉजिक बोलो, इसके बाद इसको इसमें कन्वर्ट कर लो। यस ठीक सर। है सर इसका लॉजिक होगा एफ इज इक्वल सर इसमें फैक्टोरियल और सम का लॉजिक आएगा, तो जो हमारा हाँ, प्रोडक्ट वाला लॉजिक है उसका होगा पी इज इक्वल टू पी इंटू आई, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई, तो या फिर उसके बाद एस इज इक्वल टू एस प्लस अच्छा पहले हम धीरे धीरे करके लिख लेते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद चेंज करें। ठीक है, एन इज इक्वल टू इनपुट, एफ। एफ इज इक्वल टू 1 कर दिया, एस इज इक्वल टू 0 कर दिया, और उसके बाद हमने यस लिखा था फॉर आई इन रेंज 1, n+1, 1 और सेमीकोलन कॉलन सॉरी। उसके बाद आपने बोला एफ इक्वल्स टू F4i इंडेंटेशन के बाद, और एस इज इक्वल्स टू S+F, और यहाँ पे हमने लिखा था प्रिंट एस। इसमें प्रिंट मेरे को लगता एस। नहीं कोई डाउट है। अब ओके सर। बेसिकली बस मेरे को टर्म्स क्या चाहिए बताओ बच्चे, पहली टर्म पॉजिटिव चाहिए तो यस सर। सर तो इसमें दूसरी हम टर्म बीच कैसे? सर दूसरी टर्म हमें नेगेटिव चाहिए, मतलब इवन टर्म्स होंगी जो सारी वो नेगेटिव होंगी और जो ऑड टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी। बोलो क्या करूं फिर सर तो फिर मैं इसमें इफ कंडीशन लगा दूंगी, इफ आई इज मैं? इक्वल आई। एक मिनट, थोड़ा सा चेंज यस करूं मैं, जो तुमने बोला उसकी जगह अगर मैं ये कर दूं -1 4 4 i-1, देखना एक बारी अब क्या हुआ। सेकेंड सर। 2 होगा जब आई की वैल्यू 2 होगी, 2-1। यस सर। सर तब भी सेम लॉजिक बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये लॉजिक सर सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। इफ कंडीशन में 3-4 लाइंस लिखी जाती, यहाँ पे एक ही लाइन में हो गया काम। सर कोड ठीक है ऑप्टिमाइज हाँ, हो। यस सर। कोड ऑप्टिमाइज हो गया, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? नो सर। नो सर। चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे? सर ऋषिका। इशिका। चलो इशिका अब तुम बोलो,
अब बोलोगे, चलो अब ये वाला बोलो। इसी का क्वेश्चन है आपका, मैंने बोला ई की पावर एक्स है, 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, x³/3 फैक्टोरियल, टिल अप टू x³n/n फैक्टोरियल। कोई डाउट है? नो सर, पहले 2 मिनट, 2 मिनट है ना, सारे के सारे ट्राई करेंगे, 2 मिनट सारे के सारे ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। सर आई एम डन। बच्चे और बच्चे भी ट्राई करो पहले, उसके बाद हम इसका कोड पूछेंगे। यस सर, हो गया सर। हो गया सर। बच्चे आवाज आ रही है? यस सर, यस किस किस स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, स्क्रीन इज विजिबल। हाँ बच्चे, अब मेरे को बताओ कौन बोलेगा, कौन अब कौन बोलेगा बताओ। नहीं, इसी का पल्ले भी एक लड़के ने ही बोला था ना, सर लोकेश। लोकेश, लोकेश। चलो लोकेश, आप ट्राई करोगे बच्चे? हाँ यस चलो बच्चे बताओ, लोकेश कैसे करेंगे? सर। इसके अंदर सम है, पावर है और फैक्टोरियल, तीनों चीजें हैं सर इसके अंदर। S=0 कर दिया, power = 1 कर दिया, F=1 कर दिया, और n की वैल्यू हमने कितनी टर्म्स तक करनी है, इंट करा दी, इंट। यस सर। चलो अब क्या करूं? सर पावर कैलकुलेट कर लेते हैं हर एक टर्म के लिए। अच्छा, फॉर आई इन रेंज 1, n+1। एक मिनट बच्चे रुकना, आई इन रेंज 1, n+1, 1। बताओ बच्चे क्या लिखूं आगे? सर एक्स लिख सकते हैं, x=i**, और एक फिर मिनट, एक्स भी इनपुट होगा ना? यस सर। हाँ बताओ क्या करूं, बोलो फिर क्या करूं? यस सर, तो पहले पावर कैलकुलेट कर लेंगे सर। जो पावर जानी है, p=x*i। P=x^i। चलो आगे। यस सर, और f=f*i। F^i कर दिया। और s=p डिवाइडेड बाय f, s+। चलो अब बताओ इसमें कोई गलती है? हाँ एक्सक्यूज मी सर, बोलो, यस तो सर। हाँ सर बोलो, गलती इसमें क्या है? वो p, सर जो p = x*i -1 आएगा।
एक्स चार चार आई माइनस वन, नहीं बच्चे ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली सर हम पहली सम टर्म वन देखो, प्लस कर देंगे, एक सम मिनट, वन हाँ कर सम की जगह जीरो की जगह वन कर, देंगे। यस तो आपका आंसर शायद आ जाएगा, है ना। सर, तो यहाँ पे प्रिंट क्या करा दो, एस को प्रिंट कर, कोई डाउट है? नो सर, चलो ये किसी, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ आया? ठीक नो सर, है, अब मैं 10 मिनट के लिए सबको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, कि कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, वो ट्राई करेंगे और सब अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, जिस जिसका हो जाए, नहीं। ठीक है? सही है, बोलो यस ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? सर, एक्चुअली हम फोन से ओके सर, ज्वाइन किया क्या सर, एक्चुअली मैंने ना फोन से ज्वाइन किया हुआ है, तो फिर मैं नोटबुक पे कर सकती हूँ? बच्चे, नोटबुक पे कर लियो, मेरे को फोटो भेज दियो बस, ओके सर, मेरे को कॉपी पेन में ही चाहिए, अभी कॉपी पेन में ही चाहिए, ठीक है? ओके अगर सर, करोगे, वही होता कि करोगे तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगेगा भी और होगा भी, काम भी होगा अच्छा। अब एक करना प्रोग्राम साइन एक्स का, ये बात समझ आ गई है बच्चे? ये दो प्रोग्राम समझ आ गए? यस सर, यस सर, हाँ, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर लो। कितनी देर में हो जाएगा बच्चे? हाँ मानव, कितनी देर में कर दोगे? अच्छा, सर मैक्सिमम 10 मिनट्स। 10 मिनट है ना, जल्दी कर लो कर लो। ठीक ठीक मानव, यस सर,
मानव बच्चे, मैं ना एक्चुअल में क्या है कि मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ तुम्हारे को। एक स्क्रीन दिख रही है, यस सर। मैं 5 क्वेश्चन लिख देता हूँ इसमें, और ये आप है ना कब तक दे दोगे? 11 बजे तक दे देना। गूगल ड्राइव पे शेयर कर देना, कोई लिंक बना देना जिसपे शेयर कर, ठीक है? असाइनमेंट थ्री बेटर है तो रहेगा। यस सर, हाँ एज ए असाइनमेंट थ्री। हाँ एज एन असाइनमेंट 3, उससे क्या होगा, सबका काम भी हो जाएगा और सबको समझ भी आ जाएगा। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर मैं और ज्यादा पढ़ाऊंगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चों को दिक्कत आने लग जाए और समझ ना आए, यस सर। सर ठीक है? आउटपुट निकाल के शेयर करना है या नहीं, सिर्फ मुझे कॉपी नोटबुक पे लिख? कॉपी पेन कॉपी पेन कॉपी पेन, उससे मेरे को क्लियर हो जाएगा ना। कॉपी पेन पे लिखोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। बच्चे मानव क्वेश्चन समझ आ गए? हाँ, यस सर। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 ज्यादा तो नहीं है ना 11 बजे तक के लिए? बताओ मानव, नो सर, ठीक है सर। ये 5 हो जाएंगे ना अभी से? फिर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, ठीक है? ओके सर। सिलेबस तुम्हारा बहुत धीरे चल रहा है, बट वॉट आई वॉन्ट इज कि तुम्हारा ना सिलेबस जो भी खत्म हो वो प्रॉपरली तरीके से खत्म हो, धीरे धीरे खत्म हो प्रॉपरली तरीके से, ठीक है? कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है बच्चे, मेरे को 11 बजे तक रिस्पॉन्ड कर देना सारे के सारे ग्रुप पर, ठीक है? और 64 की लगभग 63 बच्चे प्रेजेंट है क्लास में, ठीक है? चलो थैंक यू बच्चे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।